नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। भाजपा ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जनता के बीच नहीं रखा है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि प्रदेश सरकार ने जो 5 साल से पहले जो घोषणाएं राज्य के लिए की थी, जो वादे राज्य की जनता के लिए किए थे, वो इन 5 सालों में उसका चिट्ठा जनता के सामने नहीं रख पा रहे हैं। और एक बड़ी वजह यह है कि आगामी दिनों में यदि उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश के लिए क्या विकास काम करेंगे, जनता के लिए क्या वो योजनाएं बनाएंगे, उसका घोषणा पत्र भी वो अभी तक जनता के समक्ष नहीं रख पाए हैं। लेकिन इस कड़ी में, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं देरी भाजपा करती हुई नज़र आ रही है और इस बार कांग्रेस इस मामले में सबसे पहले निकल कर बाहर आई है। कांग्रेस ने सबसे पहले तो अपना घोषणा पत्र जनता के लिए रखा और उसके बाद ही अब एक ऐसा मंत्रालय भी जनता के लिए बनाया है जो उन घोषणा पत्र पर नज़र रखेगा कि आखिरकार उनकी सरकार बनने के बाद उन 5 सालों में वो अपने घोषणा पत्र को किस तरीके से तेज़ी से पूरा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सत्ताधारी पार्टी भाजपा उत्तराखंड में अपना घोषणा पत्र अभी तक क्यों जनता के सामने नहीं रख पाई है। हालाँकि इसके लिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए कहा गया, उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी अध्यक्षता में पूरा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है और प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा का कहना है कि घोषणा पत्र पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वो क्या वजह है कि अभी तक जो घोषणा पत्र है वो जनता के सामने नहीं रखा गया है। ये कहा जा रहा था कि 2 फरवरी को घोषणा पत्र जनता के सामने रखा जाएगा, लेकिन 2 फरवरी को घोषणा पत्र जनता के सामने नहीं रखा गया। उसके बाद 7 फरवरी की तारीख तय की गई थी कि 7 फरवरी को घोषणा पत्र जनता के समक्ष रखा जाएगा, लेकिन 7 तारीख को भी घोषणा पत्र नहीं आया। इसके बाद ये कहा जा रहा था कि 8 फरवरी यानी कि मंगलवार को घोषणा पत्र भाजपा लेकर आएगी और जनता के समक्ष रखेगी, साथ ही अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखेगी। जो पुराना घोषणा पत्र था उसमें से कितनी घोषणाएं उन्होंने पूरी की, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मंगलवार को भी उनका घोषणा पत्र नहीं आ रहा है। यानी कि ये साफ है कि घोषणा पत्र जनता के सामने रखने में और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने में कहीं ना कहीं भाजपा सबसे पीछे नज़र आ रही है और इस मामले में सबसे आगे कांग्रेस नज़र आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जनता के बीच पहुंच रही है और उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस लेट लफीती का नुकसान भाजपा को कितना होता है और क्या इस घोषणा पत्र में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें भाजपा ला रही हैं जिससे कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के जो पर्दे हैं या जो कहा जा सकता है सभी राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें रुक सकती हैं क्या, या फिर ये घोषणा पत्र भी 2017 के घोषणा पत्र की तरह होगा लेकिन इसे जनता के सामने रखने में भाजपा समय ले रही है। ऐसी और भी कहीं जानकारी आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।